लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो विक्रम साराभाई. सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून इज मोर टफर देन मार्स बिकॉज मून साउथ पोल हैज 33% मोर क्रेटर्स देन मार्स. मैम मेरे को एक स्पेस इंजीनियर बनना है जिसमें मेरे को मैम जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ कुछ सालों पहले, मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम. एक पोयम है चंदा मामा दूर के, जैसे अभी कहा भी था मोदी जी ने, तो चंदा मामा दूर के, बट समथिंग दैट आई थिंक नाउ इज दैट चंदा मामा इज नॉट दैट फार नाउ. एग्जाम खत्म होने के बाद की जो खुशी होती है मैम उससे ज्यादा बड़ी खुशी थी मैम. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? पहले अपना नाम बताओ, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ी. मैं वंश, आई एम वंशदीप फ्रॉम पीजी स्कूल नोएडा. आई स्टडी इन 5F. ओके 5. क्या क्या पता है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो विक्रम साराभाई. ओह माय गॉड, वेरी इंप्रेसिव. एंड द रोवर्स नेम इज प्रज्ञान बिकॉज वी हैव अनलॉक्ड अ न्यू लेवल ऑफ knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon South Pole has 33% more craters than Mars. Oh my God, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया, फिर मैम मेरे को पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च, फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम. अच्छा तो कब लॉन्च? एंड मैम दिस इज माय इंटरेस्ट एरिया आल्सो स्पेस एक्सप्लोरेशन. आई हैव आल्सो बीइंग गिविंग कंट्रोल ऑन लूनर 25 ऑफ रशिया. लूनर 25 को भी आप फॉलो कर रहे थे? यस मैम. और आर्टेमिस को भी मैम मैंने फॉलो किया था नासा के. माय गॉड, इतनी कम एज में मतलब इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, मतलब क्यों इंटरेस्ट आया? मेरे को एक चीज़ तो मैम मेरे को अपने पापा से आई है, पापा को भी स्पेस और साइंस में बहुत इंटरेस्ट है मेरे. और सेकेंडली मेरे को साइंस के साथ साथ स्पेस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ रॉकेट सैटेलाइट्स इन सब के बारे में. एंड मैम दी बेस जिसकी वजह से मैम मेरे को इंटरेस्ट है तो वो मंगल मिशन वाला मैम, जो मिशन मंगल मूवी है मैम. वो मिशन मंगल मूवी देख के और पापा का भी क्योंकि इंटरेस्ट है तो घर पे बातें होती होंगी. हाँ. तो अच्छा चाहिए तो 14 जुलाई को चंद्रयान निकला था और आज 23rd August है. क्या डेली अपडेट्स फॉलो करते थे कि क्या हो रहा है, क्या नया अपडेट आ रहा है? शुरुआत के 2 दिन और हम कुछ दिनों तो मम्मी ने अलाउ नहीं किया कि पढ़ो यार कितने दिन फॉलो करोगे, पर मैम ऑलमोस्ट डेली मैम. तो कैसे करते थे? यूट्यूब पे या फिर टीवी पे या न्यूज़पेपर से, कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन? मैम न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, आई यूज टू वेक अप 15-20 मिनट्स बिफोर टू रीड द न्यूज़पेपर एंड आई यूज टू सर्च ऑन गूगल ऑल्सो व्हाट आई सॉ ऑन यूट्यूब इट इज करेक्ट और नॉट. एज कितनी है वंश? 9 years. मैम आई हैव अ सेपरेट डायरी फॉर थिंग्स मैम इन विच इंटरेस्टिंग डेज ऑफ माय लाइफ फॉर मी फॉर माय कंट्री एंड आई विल नोट दिस एंड आई विल नोट दिस थिंग टुडे एट नाइट. अच्छा अपने पर्सनल डायरी में? यस मैम. अच्छा वो एक अलग से डायरी है मैम उसकी, सिर्फ उसमें स्पेशल डेज लिखाते हैं मैम, दिस डे दिस थिंग हैपेंड. और कौन सा लास्ट ऐसा कोई स्पेशल डे आपने जो नोट किया हो बताना चाहोगे? मैम लास्ट मेरा था कंप्यूटर एग्जाम में फुल आने वाला. कंप्यूटर एग्जाम में फुल मार्क्स आने वाला, उसके बाद आपके लिए ये एक्साइटिंग मोमेंट है. ओ माय गॉड, पर्सनल अचीवमेंट्स के साथ साथ देन नेशनल अचीवमेंट्स को भी अपने लिए या उस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देना. आपको पता है आप आगे जाके मतलब अभी कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि क्या करना चाहते हो या आप ऐसा कुछ सोचते हो कि मुझे ये करना है या मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ? मैम मेरे को एक स्पेस इंजीनियर बनना है जिसमें मेरे को मैम जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ कुछ सालों पहले, मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम, जो इसरो को नेपट्यून और आउट ऑफ द गैलेक्सी भी ले जाए मैम. ओह माय गॉड, ये कब से सोच रहे हो आप? तो अभी बस 9 साल के हो मैम. अगर 3 लाख किलोमीटर टू 60 लाख किलोमीटर अवे वी कैन गो, तो वी कैन आल्सो गो टू नेपट्यून आल्सो यूजिंग द टेक्नोलॉजी. अच्छा
तो आप उसके लिए काम करना चाहते हो? Yes, और क्या क्या नॉलेज है आपके पास, आप जरा मुझे बताओ, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं पता. मैम मेरे को नासा के बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. क्या क्या इन्फॉर्मेशन? नासा का उसकी बजट है 20 बिलियन, बट टिल नाउ ऑल्सो इट हैज ट्वाइस टाइम लैंडेड ऑन मून सॉफ्टली एंड इट हैज ऑल्सो लैंडेड ऑन Mars 2 times, but it also took 3 tries for NASA to do that. But as everybody knows, we Indians did that Magalyaan mission in first try. And ma'am, world politics, history, these are my interest areas. ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्ट करते हैं. चंद्रयान के बारे में और आपको क्या क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली, कहाँ से पता चली, कैसे फॉलो किया आपने? मैम एक गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल है, और भी मैम बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको मैम डेली फॉलो करता हूँ सिर्फ इस टॉपिक के वीडियो को. मेरा मैम रूटीन है हर रात 3 वीडियोस चंद्रयान 3 के देखने ही है बिफोर स्लीपिंग. मैम आई हैव 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक आपका डेली ये रूटीन था. एंड मैम because last 2 hours of the day 8 to 9:30 or 10, that's my screen time. So in that 3 to 4 videos Chandrayaan 3 is my चंद्रयान के बारे में पता है, आप हमें बताना चाहोगे? मैम इट्स वेट इज 3,900 kilos एंड इट्स लैंडिंग मैन्यूवर हैज बीन रिमूव्ड व्हिच इन व्हिच टू चंद्रयान 2 हैड इट. एंड I have been seeing it when it completed the 4th round of Earth orbit. And ma'am, I'm very happy that finally, ma'am, I didn't have goosebumps, but I thought like, chalo finally. एग्जाम खत्म होने के बाद की जो खुशी होती है मैम, उससे ज्यादा बड़ी खुशी थी मैम. सीरियसली? यस मैम. एग्जाम. अच्छा, तो आपको ये सब भी आपने ये फॉलो किया होगा कि चंद्रयान 2 क्यों नहीं सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड हो पाया. चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मेरे को दोनों याद है. क्या क्या पता है चंद्रयान 1? मैम चंद्रयान 1 का लेग मैकेनिज्म खराब था, टूट गया, और उसका कम्युनिकेशन भी लॉस्ट हो गया था इन द लूनर ऑर्बिट. और चंद्रयान 2 मैम लैंड हो गया है सेफली ऑन द सर्फेस ऑफ मून, बट it is not considered a soft landing. It's a dwarf satellite, we know it, because it was not in control of Earth. It was crash landing. हमने communication वो कर दिया. Communication मैम टूट गई थी उससे. है ना? कौन से एकदम last minute में टूटा था आपको? Yes, ma'am. 17 minute is the terror time of every satellite of NASA also. And in that 17 minute to last 5 minute, the leg mechanism and the communication broke out. लेकिन बाद में जब थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ा, फिर जब समझ आने लगा व्हाट इज स्पेस, स्पेस में व्हाट इज द फर्स्ट स्पेस एजेंसी टू रीच इन स्पेस. आपको इसरो के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, पता है इसरो सेंटर कहाँ है? इसरो सेंटर मैम सतीश धवन स्पेस सेंटर एक है, जहाँ से GSLV MK3 लॉन्च हुआ था. और मैम श्रीहरिकोटा में हेडक्वार्टर्स है इसरो का. श्रीहरिकोटा में सतीश धवन सेंटर है, और जो सारी ट्रैकिंग हो रही थी वो बेंगलुरु से हो रही थी. बेंगलुरु में इसरो. बेंगलुरु इज द इंडियन टेक सिटी. ये जो लाइव टेलीकास्ट का ऐसा अरेंजमेंट किया गया था कि सब बच्चे यहाँ पर कलेक्टिवली बैठ कर देख पाए, आई एम थैंकफुल कि ऐसा कुछ हुआ और इस बच्चे से हमें बात करने का मौका मिला. ये है इंडिया की स्पिरिट, ये है हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट. आगे जाके जो इस इवेंट का इस बच्चे पर इम्पैक्ट पड़ेगा और ये जो इंटरेस्ट डेवलप करेगा, या ये जो अभी कह रहा है अगर इसका इंटरेस्ट आगे भी रहा, शायद यही हमारा फ्यूचर है. कल को कोई इसरो चेयरमैन बनेगा, कल को कोई करेगा. तो आपकी इस बच्चे के नॉलेज पर, इन बच्चों की एक्साइटमेंट पर, इनके थॉट्स पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. इस पूरी बातचीत को कैमरे के पीछे से मेरी साथी शिवांगी ने रिकॉर्ड किया, और मैं शिवांगी का चेहरा देख रही थी जब वो मोमेंट आने वाला था, उनकी आँख में आंसू आने वाले थे. मैं खुद इतना प्राउड फील कर रही थी, तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि इन बच्चों की और हम सब करोड़ों भारतीयों की फीलिंग कैसी होगी. आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और ये कुछ बहुत अच्छे से पोस्टर्स है, ये लोग सब इतने एक्साइटेड होकर आए थे, उसके भी झलक देखिए.